हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका किचन क्वीन चैनल में। आज मैं लेकर आई हूँ मीठे चावल की रेसिपी, जिसे हम गुड़ के चावल कहते हैं। गुड़ के चावल बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। सर्दियों में गुड़ बहुत ही फायदेमंद होता है, हम लोगों को ज़रूर खाना चाहिए सर्दी के मौसम में। तो ये गुड़ के चावल बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कुकर में लिया है सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच। आप इसको रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये सरसों के तेल में बना रही हूँ मैं, इसमें ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये मैंने ली है छोटी इलायची, हरी इलायची जिसको मैंने कूट लिया है, और 2 लौंग। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसको डाल देंगे लौंग और इलायची को। ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करने के बाद ही हम इसमें डालेंगे। और मैंने ये गुड़ लिया था 100 ग्राम, जिसको मैंने पिघला के छान लिया है, घोल कर छान लिया है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इसमें बॉयल आ गई है। अब हम इसमें चावल धोकर डाल देंगे। गुड़ को हम अपने क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं, जितने क्वांटिटी में हम चावल बना रहे हैं उसी हिसाब से मीठा करने के लिए हम गुड़ को डाल सकते हैं। तो आप जिस तरह से बना रहे हो कम ज़्यादा उसी हिसाब से डालें। चावल डाल दिए मैंने, अब इसको चला देंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि ये मीठे चावल हैं, मीठे की वजह से ये टाइट हो जाते हैं, इस वजह से पानी हमें ज़्यादा ही ऐड करना है। अगर हम पानी कम रखेंगे तो चावल हमारे टाइट हो जाएंगे। तो मैं इसमें अपने अंदाज से पानी ऐड कर रही हूँ। इसको मिला देंगे एक बार। तो अब हम इसमें 4 सीटी लगाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इसको 4 सीटी लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड किया है ज़्यादा, तो हम इसको स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि इसका चावल अच्छे से गल जाएं। ये देखिए 4 सीटी के बाद चावल हमारे अच्छे से बन गए हैं, इसका सारा पानी ड्राई हो गया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये देखिए ये गुड़ के चावल बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं सर्दियों के मौसम में, तो आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाएं। ये देखिए चावल भी हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए अगर हम पानी कम रखेंगे तो ये चावल में कर्रे रह जाएंगे टाइट, यानी जैसे हम लोग कनी कहते हैं, कनी रह जाएगी चावलों में। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू बादाम और करी, जिसको मैंने इस तरह से कट किया हुआ है, इसको ऐड कर देंगे। चला देंगे इसको एक बार, मैं मिक्स कर देंगे। ये देखिए चावल हमारे बनकर तैयार हैं।